हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैश। व्हाट इज़ कैश एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कैश सिस्टम। ओके, एंड वी कैन से लाइक कैश एक की वैल्यू पेयर डेटाबेस सिस्टम है। इट्स लाइक अ डेटाबेस। कैश इज़ लाइक अ डेटाबेस विच स्टोर वैल्यू। और हम इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं? एक की होता है जो हम कह सकते हैं कि वो एक उस वैल्यू की आइडेंटिटी है। और जब हम उस वैल्यू को फैच करते हैं तो उस की हेल्प से फैच करते हैं। जैसे कि अभी हम इसमें बात करेंगे, हमें कैश की अब ज़रूरत क्यों है, इस बारे में बात करते हैं। सपोज एक यूज़र है, यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री, ये यूज़र है और सर्वर है हमारे पास और एक डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। ओके, और ये डेटाबेस है। डेटाबेस इज़ लाइक अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो अब ये यूज़र इस सर्वर से पे रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर कुछ कंप्यूटेशन, कुछ क्वेरी फैच करता है डेटाबेस से, एंड डेटाबेस रिटर्न द रिज़ल्ट एंड दिस सर्वर नाउ रिज़ल्ट ये यूज़र रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें कैश की ज़रूरत क्यों है? मान लेते हैं यूज़र कोई एक ऐसा यूज़र है, एक यूज़र है, ओके, जो सर्वर से फैच कर रहा है कुछ रिक्वेस्ट, और वो कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन फैच कर रहा है जो कि कंटिन्यूस कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या ज़रूरत है कि सर्वर बार बार उस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस पे क्वेरी करे और डेटाबेस से फैच करे एंड देन यूज़र को दे? क्यों ना एक कैश होना चाहिए यहाँ पर, जो कि डेटाबेस ही है बट इट वर्क्स ऑन SSD, तो इट इज़ क्वाइट फास्ट देन डेटाबेस। ओके, सो यूज़र डायरेक्टली इस कैश से आस्क करता है जो इन्फॉर्मेशन इसे चाहिए, जो कि कांस्टेंट है, और अगर इस कैश सिस्टम के पास, इस डेटाबेस, इस कैश के पास है तो वो यूज़र को रिट्रीव कर देता है। डेट इज़ आर कैश सिस्टम। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा इस कैश सिस्टम के, नंबर एक है टू सेव नेटवर्क कॉल। ये कैश सिस्टम नेटवर्क कॉल को सेव करता है। कैसे? मान लो कि मैं एक ये जो यूज़र है ये बार बार किसी इंफॉर्मेशन की से नीड है और ये बार बार डेटाबेस से क्वेरी कर रहा है, ये सर्वर के पास जाता है और सर्वर डेटाबेस से बार बार क्वेरी करता है। इस केस में क्या है, नेटवर्क कॉल हमारी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जब हमने कैश सिस्टम इंक्लूड कर दिया, ये कैश सिस्टम इंक्लूड कर दिया, तो यूज़र सर्वर के पास जाता है, सर्वर डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द कैश विच इज़ इन मेमोरी कैसे ऑफ द सर्वर, बट सर्वर अब डेटाबेस से नहीं आस्क करता वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कैसे के पास अवेलेबल है। तो कैसे डायरेक्टली सर्वर को भेजता है इन्फॉर्मेशन और सर्वर डेट इन्फॉर्मेशन यूज़र को भेज देता है। इससे क्या है कि नेटवर्क कॉल हमारा बच रहा है, ठीक है। नंबर दूसरा है टू सेव कॉम्प्यूटेशन। ओके, मान लो जैसा कि मैंने कहा कोई कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे करता है, कोई कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ये यूज़र, मान के चलते हैं कि अभी एक ये यूज़र है ए नाम का, ये एक रिक्वेस्ट करता है और ये रिक्वेस्ट है कि गिव मी द एवरेज एज, एवरेज एज ऑफ ऑल द यूज़र, ऑल द
यूज़र, ओके। ऐसे ही बी यूज़र है जो कि सेम रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, ओके, सेम रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट, मतलब कि एवरेज एज ऑफ ऑल द यूज़र विच इज़ इन दिस सर्वर, इसको चाहिए। अब एवरेज एज क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज होगा सिग्मा एज ऑफ यूज़र, ऑल द यूज़र एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूज़र, ठीक है। तो जब तक कि नंबर ऑफ यूज़र सेम है, चेंज नहीं हो रहे हैं, एवरेज एज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में जब हम कैसे का यूज़ नहीं कर रहे, इस केस में क्या हो रहा है कि जब ए ने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने इस फॉर्मूला को यूज़ करके, इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ये फॉर्मूले का यूज़ करके बार 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 इस फॉर्मूले को यूज़ करके बार बार एवरेज निकाला और ए को सेंड किया और बी को सेंड किया। इससे क्या हो रहा है कि कंप्यूटेशन जो है वेरी हाई, वेरी हाई, क्यों, क्योंकि बार बार वो इस कैलकुलेशन को कर रहा है, एवरेज निकाल रहा है और ए और बी को सेंड कर रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन जो एवरेज एज इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं किसी कैसे में स्टोर करा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये सर्वर को बार बार कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, ये कैसे से डायरेक्टली आस्क करता है वो एवरेज एज को और ए और बी को रिट्रीव कर देगा। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, ये कंप्यूटेशन जो है लेस हो रही है। नंबर तीसरी पॉइंट ये है, टू सेव नेटवर्क कॉल, सॉरी नेटवर्क कॉल हो गया, टू सेव टू सेव डीबी लोड और टू अवॉइड डीबी लोड, ओके। तो जो डीबी लोड है, लोड कैसे बढ़ रहा है मैं बताता हूँ। मान लो कि ए ने रिक्वेस्ट की एवरेज एज की, सर्वर ने एवरेज एज को कंप्यूट किया और इस बार हम क्या कह रहे हैं कि अच्छा बार बार सर्वर जो है कंप्यूट कर रहा है तो हम किसी डेटाबेस में इसको स्टोर करा देते हैं। तो अब एवरेज एज को हमने डेटाबेस में स्टोर करा दिया यहाँ पर, एवरेज एज, ओके। अब बी, फिर बी ने रिक्वेस्ट किया एवरेज एज का सर्वर के पास और सर्वर ने एवरेज एज निकाली। अब इससे क्या हो रहा है कि डेटाबेस पे लोड बढ़ रहा है, हालांकि कंप्यूटेशन कम हो गई क्योंकि हम पहले बार बार एवरेज एज निकाल रहे थे और सर्वर को भेज रहे थे, यूज़र को भेज रहे थे। अभी क्या है कि कंप्यूटेशन कम हो गई बट डेटाबेस लोड बढ़ गया, क्यों, क्योंकि डेटाबेस को हम क्वेरी कर रहे हैं, एवरेज एज वहाँ से फैच कर रहे हैं क्योंकि एवरेज एज हमारे डेटाबेस में स्टोर है और फिर हम यूज़र को ए और बी को हम भेज रहे हैं। तो इसको भी कम करने के लिए कैश है, क्योंकि कैश जो है लोड कम लेता है। अगर हम उसके पास साइमल्टेनियसली कई सारी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कंपेरेबल टू डेटाबेस, ओके। तो अब हमने क्लियर कर लिया कि हम कैश क्यों यूज़ करते हैं और कैश की क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स है और क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर साइंस में और वेब आर्किटेक्चर और एनी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जस्ट अ सेकंड, अब हम बात करेंगे कि क्यों ना हम कैसे में सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जो हम डीबी में स्टोर करा रहे थे यहाँ पे, जो हम डीबी में स्टोर करा रहे थे, ये हमारा डीबी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्यों ना हम कैसे में स्टोर कराएं, जब कैसे इतना बेटर है कि कम नेटवर्क लोड कम करता है, कंप्यूटेशन कम करता है, ठीक है।
और डीबी नेटवर्क कॉल बचाता है, डीबी लोड कितना कम करता है, तो क्यों ज़रूरत है डीबी रखने की, हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसे में स्टोर करा सकते हैं, राइट? ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के दिमाग में। बट इससे क्या हुआ कि जब सर्वर किसी वैल्यू को सर्च करेगा, ये सर्वर है, किसी वैल्यू को सर्च करेगा कैसे में, तो जब इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है कैसे में, सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से पढ़ाई, तो सर्चिंग टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा, सर्चिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी पॉइंट यह कि जो कैशे है वो हमारा एसएसडी में होता है, इसका जो हार्डवेयर है एसएसडी वो काफ़ी महंगा है, कॉस्टली है। ओके, तो इसलिए हम सारी इन्फॉर्मेशन कैशे में नहीं स्टोर करा सकते। कैश में हम वही इन्फॉर्मेशन स्टोर कराएंगे जो रेलेवेंट है, हमेशा याद रखना कि कैश में हम वही इन्फॉर्मेशन स्टोर कराते हैं जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब जैसे मैंने बोला कि कैसे में हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर कराते, व्हाट इज़ रेलिवेंट, और ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट थी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इन्फॉर्मेशन इररेलीवेंट हो जाए। इसके लिए एक हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए जो डिसाइड करे कि कब कैसे में, क्योंकि कैसे का जो साइज़ है वो कोई इन्फिनेट साइज़ नहीं हो सकता कि हम उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर सारी इन्फॉर्मेशन सेव करें। तो जो हमारी कैसे है उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए जो ये बताई कब इसमें इन्फॉर्मेशन को हटाया जाए, एविक्ट किया जाए, और कब इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाए और पुट किया जाए। ठीक है, डेट इज़ द कैशे पॉलिसी, डेट इज़ द पॉलिसी। अब हम कैशे की बात करें तो इनको हम कहते हैं कैशे, कैश पॉलिसी। प्रोनंसिएशन कैन बी डिफरेंट, कैसे भी बोलते हैं, कैश भी बोलते हैं कुछ। तो कैश पॉलिसी की कई टाइप की हैं, मतलब बेसिकली थ्री टाइप हो सकती हैं। नंबर एक है LRU, नंबर दो है हाइब्रिड, नंबर तीन है FRU। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि LRU क्या है, FRU क्या है। और LRU है, व्हाट इज LRU? ओके, तो LRU है लेटेस्ट रिसेंटली यूज फ्रीक्वेंट रिसेंटली यूज पार्डन माई इंग्लिश राइटिंग एंड हाइब्रिड, जो हम इन दोनों को यूज करके यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली LRU है, LRU का मतलब है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो जिसका कॉल अभी ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा फैच की जा रही है, वो हमारे मेमोरी ब्लॉक में सबसे ऊपर रहती है, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन जिसको फैच नहीं किया गया कुछ टाइम के बाद वो नीचे रहती है। मतलब कि हम इसमें ऐसा करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फैच की जाने वाली इन्फॉर्मेशन है उसको प्रायोरिटी सबसे ऊपर देते हैं, और जो उससे कम यूज़ करने आने उससे नीचे, उससे कम यूज़ कर फैच की जाने वाली इन्फॉर्मेशन को उससे नीचे, उससे कम फैच की जाने वाली इन्फॉर्मेशन को उससे नीचे। मान के चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि किसी सेलिब्रिटी ने कोई पोस्ट डाली है और उस सेलिब्रिटी ने कुछ कमेंट किया उस पोस्ट पे, तो वो जो कमेंट है करंटली उस पर ज़्यादातर लोग रिप्लाई करेंगे, तो वो जो कमेंट है वो ज़्यादा फैच होगा, क्योंकि हर कोई पर्सन उस पर रिप्लाई करना चाह रहा होगा, तो उस
कमेंट को फैच कर रहे होंगे हर यूज़र, तो वो होगा हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, और जो यूज़ नहीं हुआ है, जो पुराने कमेंट्स हैं, वो सबसे नीचे प्रायोरिटी पे होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सर्चिंग, जो मैंने बोला था कि सर्चिंग टाइम होगा, वो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यूज़ फैच किया जाने वाला उस वो सबसे ऊपर मिल जाएगा हमें, तो सर्चिंग टाइम हमारे लिए उसके लिए कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा LRU। FRU जो फ्रिक्वेंट रिसेंटली यूज है, वो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है आजकल। ठीक है, तो अब हम बात करें कि पुअर पॉलिसी क्या हो सकती है। वॉट इज़ लाइक LRU इज़ क्वाइट गुड एंड मोस्टली यूज्ड कैश पॉलिसी, बट अगर कोई मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैश का जो साइज़ है वो इनफाइनाइट हम नहीं रख सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम है, SSD हार्डवेयर बहुत कॉस्टली होता है, सर्चिंग टाइम बहुत इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगी अगर कैसे का टाइम, कैसे का साइज़ बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, और ये जो है ये पुअर एविक्शन पॉलिसी में भी आता है, पुअर कैश पॉलिसी में भी आता है। एक सेकेंड, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस टैप टैप एंड टैप। ओके, तो नंबर वन, सपोज कैसे का साइज है 1 और एक्स है, वाई है। ठीक है, तो सपोज जब मैं एक्स फैच करने की कोशिश करता हूँ सर्वर से, ठीक है, सर्वर कैश से पूछता है, कैश के पास होता नहीं है, सर्वर कैश में अपडेट कर देता है एक्स। ओके, अब वाई फैच करने की कोई यूज़र कोशिश कर रहा है, सर्वर के पास गया, सर्वर ने देखा कि वाई नहीं है कैश में, ये कैश है हमारी। ठीक है, ओके,